नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आई नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। सिवनी जिले के धुमा वन परिक्षेत्र के अंतर्गत सलैया ग्राम के लोगों ने वन भूमि के प्लांटेशन एवं रोड के किनारे में झोपड़ी नुमा 10 से 15 टपरे बनाकर कब्जा कर लिया था, जिसे कल धुमा वन विभाग के कर्मचारियों ने जाकर इस अतिक्रमण को हटाया, जो अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शांतिपूर्ण हुई। लेकिन आज अचानक सलैया गांव के ग्रामीण धुमा वन परिक्षेत्र कार्यालय पहुंचे और वहां उपस्थित वन कर्मियों के साथ गाली गलौज करते हुए महिलाओं ने चप्पलों से पिटाई कर दी। इस पूरे मामले की भनक पुलिस को लगी और तुरंत धुमा पुलिस मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाल लिया। इस विवाद को टालने में सफल भी हुए, लेकिन धुमा पुलिस मौके पर नहीं पहुंचती तो निश्चित ही बड़ी घटना घटित हो सकती थी। ग्रामीणों की मांग है कि हमारे टपरे जहां बने थे उस भूमि का हमें पट्टा दिया जाए। जब वन परिक्षेत्र अधिकारी से हमारी बात हुई तो यह पूरा मामला जो आपके वन कर्मियों के साथ घटित हुआ है, इस पर आप क्या कार्रवाई करेंगे, जिसमें अधिकारी का कहना है कि मैं सुबह ग्रामीणों के ऊपर हम FIR करवाएंगे, विभागीय कार्यवाही करवाएंगे। किस गांव का मामला है? जो है मानकपुर सलैया और 4-6 गांव के लोग वहां निवास कर रहे हैं। तो फॉरेस्ट वालों ने बगैर सूचना दाए खदेड़ दिया गया उनको। मतलब क्या खेती कर रहे थे कि रह रहे थे? रह रहे थे। इन लोगों ने मिटा के आए मानकपुर सलैया, मतलब दरगड़ा तरफ सलैया। महिलाओं को भी अपमानित किए, उनको भी जीका जब्ती किए, वहाँ पे उनका जो सामान था वो सामान को भी फेंक फाक के नुकसान पहुँचा है, पैसे भी थे वहाँ पे, पैसे भी लेके। लेकिन हम ये पूछते हैं कि वन विभाग के अधिकारियों को दारू पी के जाके इस प्रकार के कृत्य करना जानकारी है? हाँ, ये मिल रही है साहब कि इन लोगों ने पार्टी आर्टी किया है, पिकनिक हुआ, मतलब 10-20 लोग रहे होंगे जो फॉरेस्ट के थे। हाँ, पूरे फॉरेस्ट के थे और फिर बाद में इनका जैसा भी मूड बना वहाँ जाके उन लोगों को परेशान किया, पूरी झुग्गी झोपड़ियों को मिटा दिया गया, उनको जो भी थोड़ा वहाँ पैसा दस्तावेज थे उनके दस्तावेज भी चल गए, वो पूरा लेके आ गए। सबसे बड़ी बात ये है कि वहाँ एक जैसे हमारे आदिवासी धार्मिक वहाँ झंडा लगा हुआ था, पैंट खाना बना हुआ था, उसको इन लोगों ने तोड़ के और जला दिया, और जला दिए, बल्कि पानी का कुआं भी था तो उस कुआं को पूर दिया गया कह रहे हैं, पानी निकल गया उसमें। तो ये तो बहुत अन्याय है। ये एक काम करते हैं अपन जी, आप लोग की जो भी शिकायतें हैं आप मुझे लिखित में शिकायत कर दीजिए और उसके बाद अभी अपन चल के देख लेते हैं। जी सर, वास्तविक स्थिति लिखित के तो मानते नहीं रहे सर। सुन तो लो भाई, आप लोग की नेता बात करे तो आप लोग शांत रहिए ना, आप लोग के मुखिया बात करे तो आप लोग मत अब मत बोलो ना, कैसे बात सुनानी पड़ेगी। तो आप लोग मुझे थाना प्रभारी के नाम से मुझे लिखित शिकायत दे दीजिए, जो भी आपकी समस्या लिखित शिकायत दे दीजिए, उसमें मैं विधिवत कार्रवाई पूरी कर देता हूँ। और रही बात, मैं चलता हूँ तो देख लेते क्या है, क्या चीज टूटी है, उसको हम वीडियोग्राफी कर लेते, जो भी समस्या होगी देख लेते। वीडियो अपने पास भी है ना? वीडियो हमारे पास भी नहीं, फिर हम अपना स्वतः लेंगे ना। ठीक है, ठीक है, वो एक स्थल निरीक्षण कर लेंगे। और बाकी लोगों से मेरा निवेदन है, आप क्योंकि आप लोग बड़े नेता हैं, बाकी चीजें शासकीय संपत्ति है, किसी के घर का काम है नहीं, फॉरेस्ट वालों का शासकीय काम है, उनसे भी हम बुला के उनसे प्रतिवेदन लेते हैं, उनसे जवाब मांगते हैं, भाई आपकी जो कार्रवाई है क्या है, किस संबंध में, पूरी बात बताएंगे। तो कृपया करके आपका पे हमला हुआ है, क्या मामला है सर? देखिए, सूचना प्राप्त हुई थी कि फॉरेस्ट का जो रेंज ऑफिस है वहाँ पे कुछ ग्रामीण इकट्ठा हुए हैं। तो मैं मौके पे पहुँचा तो कुछ ग्रामीणों ने हमें बताया कि फॉरेस्ट विभाग द्वारा ग्राम सलैया में अतिक्रमण की जो कार्रवाई की गई है वो वैधानिक नहीं है, उसके विरोध में हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। इसी बीच में कुछ ग्रामीणों द्वारा फॉरेस्ट के कर्मचारियों के साथ बदतमीजी की गई है, उसकी शिकायत अभी तक फॉरेस्ट की ओर से अभी तक हमें कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। शिकायत प्राप्त होने पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई जो है की जाएगी। इसके बाद विरोध प्रदर्शन के बाद गोंडवाना पार्टी के नेताओं द्वारा उनके सहयोगियों के साथ मिलकर मुझे चार ज्ञापन मुझे दिए गए अलग अलग मांगों से संबंधित, वो मैंने ज्ञापन लेके वरिष्ठ अधिकारियों को मैं प्रेषित कर दूंगा। लखनादौन से नीकेलाल अहिवार की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।